बॉडी रूट्स के इंजर्ड होने के बावजूद के सुपरस्टार ने उन पर बुरी तरह से अटैक करा। चैंपियनशिप कंटेंडर मैच जीत करके बियांका ब्लेयर अब कौन सी वुमेन्स को फेस करेंगी, जजमेंट डे को लेकर क्या बड़ा शॉकिंग देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या दिखा जा रहा है एपिसोड में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब यार आज मैं फिर से कार में वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम ऐसे फंसे हुए हैं जो यार कोइंसिडेंस है कि ट्यूसडे को पड़ रहे हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं रॉकी वीडियो को। आज के शो की ओपनिंग कॉडी रूट्स करते हैं। वो रिंग में आकर एक प्रोमो देते हैं जिसमें वो पहले हेलेन सेल के मैच के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि सेल में इंजर्ड होने के बावजूद भी मैंने मैच लड़ा क्योंकि मैं अपनी बेटी को दिखाना चाहता था कि मैं कितना कैपेबल हूँ, इंजर्ड होने के बाद भी मैंने मैच लड़ा। फिर वो सेथ रॉलिंस की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ मेरी फ्यूड अब ओवर हो चुकी है। वहीं वो मनी द बैंक के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि मैं मनी द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा और WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं कि मैं कॉडी रूट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो कॉडी रूट्स की अब तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि कॉडी रूट्स ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है उसके बाद वो मेरी रिस्पेक्ट हासिल कर चुका है। आज डस्टी रोड अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड होंगे। दोनों इसके बाद गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मतलब एक हैप्पी एंडिंग इस फ्यूड की होती हुई दिखाई दे रही थी। तभी सेथ रॉलिंस बैकस्टेज चले जाते हैं और कॉडी रूट्स फैंस को चीयर अप कर रहे होते हैं और धीरे धीरे बैकस्टेज जा रहे होते हैं। अब कॉडी रूट्स स्टेज पर थे तभी यहाँ सेथ रॉलिंस ने पीछे से आके स्लैज हैमर से कॉडी रूट्स पर अटैक कर दिया। वहीं उनको काफ़ी मारा और उनका जो इंजर्ड शोल्डर और ये चेस्ट है उस पर उन्होंने काफ़ी स्लैज हैमर से अटैक करा। रेफरी वगैरह ने रोकने की कोशिश करी लेकिन ऑफिशियल्स ने आके सेथ रॉलिंस को वहाँ से हटाया। इसके बाद ऑफिशियल्स या मेडिकल टीम कॉडी रूट्स को स्ट्रेचर पर ले आना चाह रही थी लेकिन कॉडी रूट्स ने बोला कि नहीं, मैं खुद चल के जाऊँगा। इसके बाद हमें डाना ब्रूक वर्सेस बैकी लिंच के बीच एक मैच देखने को मिला। अब यहाँ तक तो ठीक है कि इन दोनों के बीच मैच दिखने वाला था। अब मैच शुरू होता उससे पहले ही अकीरा टोजावा के पीछे पीछे काफ़ी सारे सुपरस्टार आ जाते हैं। वहीं रिंग में डाना ब्रूक अकीरा को पिन करके 24/7 चैंपियनशिप जीत लेती हैं। अब बैकी लिंच मैच शुरू होने से पहले बोलती हैं कि भाई अपना टाइटल दांव पे लगा दो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जोक है एक तरह से, मतलब बैकी लिंच जैसी सुपरस्टार किसी 24/7 चैंपियन को बोल रही है कि अपना टाइटल दांव पर लगाओ। ठीक है, दोनों के बीच मैच दिखा। इसी दौरान आस्का की यहाँ एंट्री होती है। अब डाना ब्रूक बैकी लिंच को रिंग कॉर्नर में डाल के पिन करती हैं। आस्का बैकी लिंच के दोनों पैर पकड़ लेती हैं और डाना ब्रूक बैकी लिंच के अगेंस्ट जीत के अपना टाइटल बचा ले जाती हैं। मतलब इससे ज़्यादा जोक बैकी लिंच के लिए इतनी बड़ी वुमेन सुपरस्टार कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ WWE ने कुछ बड़ा अनाउंस करा। उन्होंने अनाउंस करा कि 27 जून 2022 को रॉ के एपिसोड में 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना दिखाई देने वाले हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले की एक वीडियो में अपडेट दी थी आप सभी को, या मैंने खुद प्रेडिक्ट करा था कि जॉन सीना को 20 साल पूरे होने वाले हैं तो वो जल्दी WWE में वापसी करते हुए दिखाई देंगे और WWE इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहेगा। अब मैंने ये भी बोला था कि समर स्लैम से पहले हो सकता है जॉन सीना वापसी करें और अब वही होता दिखाई दे रहा है। अब देखना ही होगा कि जॉन सीना समर स्लैम में मैच लड़ते हैं या नहीं। अब हमें द मिज अपनी वाइफ मरीज के साथ दिखाई दिए। वो सबसे पहले आकर के मनी इन द बैंक शो की हाइप बनाते हैं। अब मुझे मिज सुपरस्टार कम एक रिंग अनाउंसर लगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो हेलेन ए सेल के लिए बुक नहीं थे और उन्होंने उस पेपर व्यू के लिए काफी ज्यादा हाइप बनाई अपने प्रोमोज में। फिर वो अपनी वाइफ के साथ आने वाले शो के बारे में भी काफी ज्यादा हाइप करते हैं। अभी एंट्री होती है रिडल की। रिडल रिंग में आके मरीज से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं और वो कुछ रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब मिज इससे जरा भी खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं, भाई मेरा शो है, मैं अपने शो की हाइप बना रहा हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चुप हो जा। रिडल अब मिज की बेइज्जती करते हैं और उनको ही उल्टा चुप करा देते हैं। अब रिडल क्लेम करते हैं कि वो WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे और इसके बाद रिडल मिज को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। हालांकि मिज छूटते ही मना कर देते हैं। तभी यहाँ टोमासो सियम्पा की एंट्री होती है और वो आके रिडल पर अटैक कर देते हैं। अब मिज को लगता है कि यार मौका अच्छा है, रिडल पिट चुके हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब रिडल वर्सेज मिज के बीच हमें मैच देखने को मिला। अब यहाँ पर मरीज की साइड से काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर इस मैच में देखने को मिला। वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी। वहीं रिडल ने इस मैच के दौरान मिज की पैंट फाड़ डाली, वो कच्छे में आ गए और मरीज का पर्स उठा के वो रिडल को मार के जीतना चाह रहे थे। मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला लेकिन एंड में मैच रिडल ने आरक्यू देके जीत लिया।
इसके बाद हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर मैच देखने को मिला। अब यार जो चैंपियनशिप कंटेंडर मैच होते हैं ना, उसमें पहले से काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है कि जीत किस टीम की होगी, क्योंकि ये चैंपियनशिप कंटेंडर मैच होता है। अगर मैं बात करूं दोनों टीम की, तो दोनों के बीच WWE में काफी पुरानी हिस्ट्री रही है। दोनों के बीच हम पहले भी मैचेस देख चुके हैं, रिसेंट में भी कुछ मैचेस हम लोगों ने इन दोनों टीम के बीच देखे थे, ठीक ठाक मैच देखा दोनों टीम के बीच में। वहीं मैच एंड फेस में आया तब फोर्ड और जे उसो रिंग साइड लड़ रहे थे, रेफरी यहां पे काउंटिंग कर रहा था। फोर्ड 10 काउंट होने से पहले अंदर एंटर हो जाते हैं और जे उसो अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से काउंट आउट की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स की उसोस के अगेंस्ट जीत हुई। अब हमें बॉबी लैशली दिखाई दिए, वो आके एक प्रोमो देते हैं जिसमें वो अपने हेल इन अ सेल की जीत के बारे में बात करते हैं और फिर वो MVP को अपने टारगेट पर लेते हैं और MVP के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हुई जो कि US चैंपियन है, वो आके बॉबी लैशले को ऑर्डर देते हैं कि तुम बैक स्टेज चले जाओ। बॉबी लैशले इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं, हालांकि ऑस्टिन थ्योरी छूटते मना कर देते हैं कि भाई किसी भी तरह का कोई टाइटल मैच नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशले के साथ सेल्फी लेने लग जाते हैं, तो बॉबी लैशले घुमा के एक लात ऑस्टिन थ्योरी को देते हैं और रिंग से बाहर कर देते हैं। अब हमें वीर महान वर्सेज डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच दिखा, रिंग साइड रे मिस्टीरियो भी थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि WWE मिस्टीरियस के साथ वीर महान की फ्यूड दिखा भी रही है कि नहीं, क्योंकि काफी लंबे लंबे गैप के बाद इन दोनों के बीच मैच देखने को मिल रहा है और फ्यूड के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा, केवल मैच देखने को मिल रहे हैं। अब मैच शुरू होता है तो डोमिनिक बचते बचाते हुए वीर महान से भागते हैं, हालांकि वीर महान जब डोमिनिक को पकड़ते हैं तो अच्छे से उनको खर्चा पानी देते हैं। रे मिस्टीरियो पर भी वीर महान अटैक करते हुए दिखाई दिए, वहीं डोमिनिक ने वीर महान पर फिनिशर लगाया तो वीर महान ने बड़ी आसानी से किकआउट कर दिया। अब वीर महान डोमिनिक पर सबमिशन लगाते हैं तो रे मिस्टीरियो आके वीर महान पर अटैक कर देते हैं, इसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत यहां वीर महान की हो जाती है। इसके बाद हमें जजमेंट डे का प्रोमो देखने को मिला जहां पर एज, डेमियन प्रीस्ट और रेहर रिप्ले मौजूद थी। सबसे पहले रेहर रिप्ले आज की रात होने वाले चैंपियनशिप कंटेंडर मैच के लिए अपनी जीत का दावा करती हैं। वहीं डेमियन प्रीस्ट बताते हैं कि रेहर रिप्ले आने वाले टाइम में न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बनेंगी। एज इसके बाद कहते हैं कि मुझे अपने दोनों पार्टनर पर प्राउड है। अब एज यहाँ पर अपने जजमेंट डे में एक न्यू मेंबर के ऐड होने की बात करते हैं, उनको बुलाया जाता है। अब ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फिन बेलर होते हैं, जो कि हेल इन अ सेल में जजमेंट डे के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे एज स्टाइल और लिव मॉर्गन के साथ। अब फिन बेलर आके सबसे पहले ये बताते हैं कि वो जजमेंट डे को क्यों जुड़ रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो जजमेंट डे को साथ देकर के काफी खुश हो गए थे, मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था इसलिए मैं इस ग्रुप में जुड़ गया। अब इसके बाद डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मुझे बार बार रोक रही है और इसी वजह से मैंने फिन बेलर को अपने साथ जोड़ा है। अचानक से रेहर रिप्लाई, फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट तीनों मिलकर के एज पर अटैक कर देते हैं। वाकई ये काफी शॉकिंग था क्योंकि ऐसा होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ, ये लग रहा था कि फिन बेलर एज स्टाइल पर टर्न होंगे, बट ऐसा नहीं देखने को मिला। अब डेमियन प्रीस्ट ने अनाउंस टेबल पर पटका चेयर से मारा, वहीं सर के नीचे चेयर लगा के जैसे एज मारते हैं ना, उसी स्टाइल में एज को आज धोया गया। वहीं डेमियन प्रीस्ट एक स्टील की रॉड लेकर आए और मुंह में एज के फंसा के एज की तरह ही सबमिशन लगाया और उनको ढेर कर दिया। अब हमें ओमास वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच ज्यादा लंबा नहीं चला और ओमास ने आसानी से सेड्रिक अलेक्जेंडर को मसल के रख दिया और मैच में जीत दर्ज कर ली। अब इसके बाद ओमास सेलिब्रेट कर रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, तभी यहाँ डर्टी डॉग्स की एंट्री हुई। उन्होंने स्टेज एरिया के नियर इंटरव्यू जो चल रहा था वहां पर जाने की कोशिश करी, MVP ने उन्हें रोका, लेकिन डॉल्फ जिगलर ने MVP को सुपर किक मार के ढेर कर दिया। इसके बाद ओमास डर्टी डॉग्स को पकड़ने भागे, लेकिन दोनों यहां से निकल करके भाग गए। अब इसके बाद हमें इजिकल वर्सेज ओटिस के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच दोनों सुपरस्टार के बीच ज्यादा लंबा नहीं चला, ठीक ठाक मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं इजिकल ने ओटिस को इस मैच में हरा के जीत दर्ज करी। अब इसके बाद केविन ओवंस को इजिकल चैलेंज करते हैं मैच के लिए, तभी यहां केविन ओवंस की एंट्री होती है और वो आकर के कहते हैं कि अगर इजिकल ये मान लेंगे कि वो अलायस हैं तो उनको मेरे अगेंस्ट रीमैच मिल जाएगा। अब इजिकल कहते हैं कि हां मैं अलायस हूं और केविन ओवंस ये सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं और मैच के लिए हां कर देते हैं। अब जैसे ही मैच के लिए हां केविन ओवंस करते हैं, उसके बाद इजिकल बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं अलायस नहीं हूं, मैं इजिकल हूं।
मैंने इसलिए ये झूठ बोला ताकि मैच बुक हो सके। इसके बाद इजिकल केविन ओवंस पर अटैक करते हैं और उन्हें रिंग से चलता कर देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां पे हमें रिया रिप्लाई वर्सेस अलेक्सा ब्लिस वर्सेस लिम मॉर्गन वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर के लिए मैच देखने को मिला। रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई नजर आई। चारों वुमेन्स के बीच मैच देखने को मिला, मैच अच्छा देखने को मिला। लिव मॉर्गन ने काफी इंप्रेस करा हुई, रेहर रिप्लाई दमदार मूव्स लगाती हुई नजर आई, डुओ ड्रॉप भी दमदार मूव्स लगाती हुई नजर आई, बट एंड में ये मैच रेहर रिप्लाई ने डुओ ड्रॉप को पिन कर करके जीत लिया। जीत के बाद डेमियन प्रीस्ट आके रेहर रिप्लाई के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। अब रेहर रिप्लाई आने वाले टाइम में बियांका ब्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगी। अब यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। अगर हम बात करें ओवरऑल शो की, तो सेथ रॉलिंस का फिर से एक बार अटैक हमें कॉडी रूट्स पर देखने को मिला, जबकि हमें लग रहा था कि इन दोनों के बीच फ्यूड ओवर हो चुकी है। अब देखिए, इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि WWE कॉडी रूट्स को कुछ दिनों के लिए आराम देना चाह रही हो और मनी इन द बैंक से पहले उनकी वापसी कराना चाह रही हो, इसलिए उन पर इस तरह से अटैक कराया गया। दूसरा ये कि WWE सेथ रॉलिंस और कॉडी रूट्स की फ्यूड अनफिनिश छोड़ के आगे फ्यूचर में इसको कभी यूज करना चाह रही हो। वहीं बैकी लिंच को लेकर के आज बहुत बड़ा मजाक देखने को मिला। ठीक है, डाना ब्रूक के साथ उनका मैच देखने को मिल रहा था, लेकिन उसको 24/7 चैंपियनशिप में कन्वर्ट कर देना ये कहीं से भी सही नहीं था, क्योंकि बैकी लिंच एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, और मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि WWE बैकी लिंच को कहीं ना कहीं पनिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे जजमेंट डे की, तो डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और रेहर रिप्लाई ने आज एज के साथ खेला कर डाला। उम्मीद नहीं थी कि तीनों इस तरह से करेंगे और एज पर बुरी तरह से उन्होंने अटैक करा। अब देखना होगा कि एज अकेले क्या करते हैं या एज स्टाइल उनके साथ आ जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं केविन ओवंस और इजिकल की, तो भाई मुझे लग रहा था कि फ्यूड ओवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी केविन ओवंस वही राग अलाप रहे हैं कि तुम अलायस हो, तुम अलायस हो। और एक छोटे बच्चे की तरह इजिकल ने हरकत करी, पहले बोला कि मैं अलायस हूं, फिर बोल दिया मैं इजिकल हूं, और फिर वो एक्सक्यूज क्या देते हैं कि मैंने इसलिए बोला कि हम दोनों के बीच मैच बुक हो जाए। अरे भाई, जब तुम झूठ बोल सकते हो तो केविन ओवंस भी मैच से पलटी मार सकते हैं ना। केविन ओवंस भी कहते हैं कि तूने झूठ बोला इसलिए मैं मैच नहीं लड़ रहा। खैर, मेन इवेंट में आज हमें वुमेन्स के बीच चैंपियनशिप कंटेंडर मैच देखने को मिला, जहां फिर से एक बार रेहर रिप्लाई की जीत हुई, और एक बार फिर से फैंस को रेहर रिप्लाई और बियांका ब्लेयर के बीच मैच देखने को मिलेगा। हम पहले भी इन दोनों वुमेन्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फ्यूड देख चुके हैं। अब समझ में मुझे ये नहीं आता कि WWE पता नहीं लिव मॉर्गन जैसी वुमेन को क्यों साइड में रख रहा है। लिव मॉर्गन काफी इंप्रेस कर रही है अपने हर मैच में, बार बार वो खुद को प्रूव कर रही है, बावजूद इसके WWE उनको कोई टाइटल मैच नहीं दे रही है। मैं तो सोच रहा हूं कि WWE उनको जल्दी वुमेन्स चैंपियन बनाए तो WWE के लिए अच्छा होगा। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।